Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce you to the world of multimedia mastering, where creativity meets animation and technology knows no bound. So we sit here this all around the launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation, lighting and visual effects. Google, learn with CG artists all around and on top. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic work. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on CGRTS or Rebel.com. हाय गाइस, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं टेक्सटिंग। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि भाई किस टाइप से चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है, तो मैंने बाय डिफॉल्ट एक स्टाइलाइज जो मटेरियल था मैंने यहाँ से उठाकर डाल दिया कि भाई चलो एक बार क्रॉस चेक कर लो कि मेरे पास यहाँ पे क्या है कैसा है। ठीक है, मटेरियल मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे अगर यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर चीज़ें मिल रही होगी भाई, स्टाइलाइज के अलग अलग लेवल दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो तीनों पार्ट दे रखे, तीन अलग अलग जो दे रखे हैं वर्ड का, उसको आपको देख के ट्राई कर लेना कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो मेरे पास ये चीज़ें कैसे नज़र आ रही हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने अगर क्लिक एंड ड्रैग किया यहाँ पे, ठीक है, तो क्या मेरे पास कलर कैसा आ रहा है, तो कलर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया था, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर मैं देखूँ तो कलर का वेरिएशन बहुत कम है। ठीक है, जैसे ये मेरे पार्ट है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ इसके अंदर मुझे कुछ पैरामीटर मिल जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये कलर है मेरे पास यहाँ पे, लाइक मैं सेम ही कलर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, मेरे पास अगर कलर कुछ ऐसा मिल जाए जिसको मुझे बहुत ज़्यादा लाइक मैनेजमेंट नहीं करना पड़े। ठीक है, और भी कुछ है कि नहीं है मेरे पास यहाँ पे, तो इसके पहले पैरामीटर के साथ प्ले करो यहाँ पे। रफनेस देखो ना, रफनेस साइनिंग अगर चाहिए तो आपको साइनिंग देखना है, ये साइनिंग अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो कि भाई ये बस थोड़ा सा गीला है या थोड़ा सा साइनिंग मटेरियल है, तो मैं रफनेस के साथ प्ले कर सकता हूँ। इसे कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। वेरिएशन देखो यहाँ पे, अगर वेरिएशन मुझे को दिख रहा है इसके पैरामीटर के साथ, थोड़ा प्ले कर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रफनेस ठीक है, वुड फाइबर अमाउंट है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये फाइबर अमाउंट आपका यहाँ पे कितना आप देने वाले हो। ठीक है, या ऐसा मैनेज कर सकते हो। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे फाइबर अमाउंट कितना देना है यहाँ पे, शुरू को देखना है कि पहले मैं किस टाइप से काम कर सकता हूँ। अभी ये जो फाइबर अमाउंट था देखो यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास ठीक है, मेरे पास काम करेगा अगर मैंने जो अपने डिटेल दे रखी वो डिटेल मेरे पास यहाँ पे विजुअल है कि मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। देखना यहाँ पे, अब ये देखो आप, ठीक है, तो आप जब तक इसके पैरामीटर के साथ प्ले नहीं करते तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्ले विद दिस पैरामीटर्स, है ना, कैसा आपको चीज़ें चाहिए, किस तरह से आप मैनेज करना चाह रहे हो, देखना यहाँ पे वेरिएशन कितना चाहिए। अगर आपको लगता है मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम कर रहा है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, जो मेरे पास इसे अगर कनेक्ट कर रहा हो तो देखो यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ अगर मैनेज हो रहा तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो पहले इसको प्ले करना सीखो कि भाई यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सब्सटेंस गंदे पैरामीटर, यही एक प्लस पॉइंट होता है कि आप इसको ऐसे मैनेज मेंटेन करके देख सकते हो आप यहाँ पे, ये इसका प्लस पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, नॉट है तो नॉट की डेंसिटी आप मैनेज कर सकते हो, नॉट साइज क्या है, लाइक होता है ना वुड नॉट होता है, उसको आप मैनेज मेंटेन करके देख सकते हो आप यहाँ पे। वॉल्यूम इंटेंसिटी देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मैनेज करो एक बार कैसे क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे ये जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं यहाँ पे स्मूथनेस, ठीक है भाई, स्मूथनेस देखो ये स्मूथ है, यहाँ पे मैंने हार्ड दिख रहा है, तो मैं ऐसे मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ अभी। तो फिलहाल मैं चलते हैं, ये वाला पार्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे जो भी मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ मुझे यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना है। ठीक है, फिर मुझे कुछ चीज़ों पे काम करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या क्या पार्ट है, तो यहाँ पे मैं अगर मैनेज मेंटेन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि मैं चीज़ों को कैसे फुलफ़िल कर सकूँ यहाँ पे। इसी के साथ मैंने एक और भी, जैसे मैंने फिल लेयर ले लिया, फिल लेयर पे गया, फिल लेयर का मैंने यहाँ पे क्या करते, जस्ट आई वॉन्ट टू पिक दिस कलर, ठीक है, मैंने कलर पिक कर लिया यहाँ पे, कलर पिक करते यहाँ पे देखना कैसे देखना यहाँ पे। अभी ये जो मैंने कलर पिक किया, इस कलर को पिक करने के लिए राइट क्लिक एंड ब्लैक मास्क, ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया पेंट।
अब पेंट में क्या है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ बस पॉलीगन फिल, पॉलीगन फिल पे मुझे यहाँ पे किस पे काम करना है, जैसे देखो यहाँ पे आप यहाँ पे फिल करो तो आपका यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, देन यहाँ से अगर मैं देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मैंने एक पे क्लिक कर दिया यहाँ पे F1, यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, तो मुझे वो पार्ट देखने की किस पार्ट पे ही दिख रहा है देखो यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ से ऐसे कर दूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, F2 प्रेस करो, देन देखो ना, देखो यहाँ पे यहाँ तक आ गया मेरे सामने, तो मुझे कहाँ तक चाहिए, इस ऊपर वाले पार्ट पे चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैंने क्या कर दिया F1, तो ऐसे करके मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है, जैसे ये भी मैंने यहाँ सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, या टैप प्रेस कर लो आप यहाँ पे, तो अभी देखो यहाँ से मैंने क्या किया दिस वन, तो अभी यूवी आपकी हेल्प करने वाली है यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ से मैंने क्या किया लाइक एक्स, ठीक है, ये यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे मैंने मेंटेन कर दिया तो फिर यहाँ पे नीचे तक ये दिखेगा आपको यहाँ पे, फिर तो वो बात आपको ऐसे मैनेज कर लेनी है, कंट्रोल जेड एक्स प्रेस करना है आप, देखें आप ऐसे भी आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्रेस करना, तो अभी ये छोटी छोटी चीज़ को आप थोड़ा वर्कआउट कर लोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे, एक्स मतलब इन्वर्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत बारीकी से अगर आप काम करने वाले हो तो कर सकते हो आप यहाँ पे एक्स, ये ट्रायंगल में ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा आपको, ठीक है, बाकी ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, जस्ट मैंने F2 प्रेस कर दिया है, टैप प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, F2 अभी यहाँ पे देख सकते हो, मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे कुछ एक पार्ट पे मुझे अगर मैनेज मेंटेन करना है तो ठीक है, अभी आप यहाँ से ऐसे भी करके आप देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप ऐसा मैनेज मेंटेन कर रहे हो तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा, तो क्रॉस चेक कर लेना, थोड़ा सा बारीकी सब चीज़ों को मैनेज मेंटेन करो तो बेटर हो जाएगा आपके सामने, ठीक है, वापस मैं यहाँ पे आ गया, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे मैनेज मेंटेन करना है यहाँ पे, मैं देखा यहाँ पे मुझे अभी क्या चाहिए, यहाँ से मैं अगर मुझे पता है कि भाई मुझे यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में चाहिए तो मल्टीप्लाई में चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है, नॉर्मल है तो नॉर्मल पे, ठीक है, प्लस में मुझे इसमें साइनिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है, यहाँ पे देखो साइनिंग है, साइनिंग के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्ले कर सकता हूँ, यहाँ पे रफनेस दिख रहा है, रफनेस आप इसे मैनेज मेंटेन देखो कितनी साइनिंग करनी है, ये आप ऐसा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, एक पार्ट आपका ये भी है, आप ये चाहो तो आप इसे थोड़ा सा ब्लेंड भी कर सकते हो आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितने पार्ट तक आप ब्लेंड करके जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, अभी यहाँ से मैंने लिया, मैंने कर दिया, इसे मैंने कर दिया लाइक मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में कैसा आ रहा है यहाँ पे, आप इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस में लेके जा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे ओवरले, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे तो और सा और मैनेज मेंटेन करूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी कलर को भी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पिक करूँ यहाँ पे, तो कलर के साथ में थोड़ा सा जा सकता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखने की वो यहाँ से नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये आपको थोड़ा सा मैनुअल भी डील करना पड़ेगा भाई आपका चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर रहे, देखो अब यहाँ से अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा पहले बेसिक कलर को लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैं और देख सकता हूँ मेरे पास और क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई में जा रहा तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा हो यहाँ पे, यहाँ से मैं देख सकता हूँ जस्ट कलर मैंने ऐड ऑन किया तो कलर पे क्या आ रहा है, ओके, सॉफ्ट लाइट पे कैसा आ रहा है, वो आपको एक बार क्रॉस चेक करना है, सॉफ्ट लाइट पे अगर देखो तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा और बेटर कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे डार्क करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे डार्कनेस में आप चीज़ों को ऐसा मैनेज मेंटेन कर सकते हो, तो बहुत लाइट का भी इम्पैक्ट आएगा, तो हम लोग चीज़ों को ऐसे भी मैनेज मेंटेन करेंगे, तो लाइक वो भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पार्ट अगर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, अभी कितना ले गया पूरा ब्लैक पे गया तो भी उतना मज़ेदार नहीं आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ मेरे पास यहाँ पे है सिंपल सा पार्ट मैंने लिया है, और अगर मैं कलर बर्न करता हूँ यहाँ पे, कलर बर्न पे भी बहुत अच्छा ना, हार्ड लाइट पे चेक करें यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा मैनेज मेंटेन तो करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं कलर भी करता हूँ, यहाँ पे कलर में कितने चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो तो ऐसे करके मैं उसके आसपास तो लेके आ ही जाऊँगा यहाँ पे, बाकी जो लाइनें हैं वो तो हम लोग मैनेज मेंटेन कर लेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ फुलफिल करते हैं यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया,
ओके अभी यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, जस्ट यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो भी एक पार्ट नज़र आ रहा है इसके अंदर जस्ट यहाँ पर मैंने दिया, अभी ये जो पार्ट मैंने दे रखा है यहाँ ये उस वाले पार्ट पर मुझे ये वाले पार्ट पर नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जो एक पार्ट है तो इसको भी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लाइक लेवल्स दे सकता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा भाई यहाँ पे मुझको मिल रहा, तो देन मैंने यहाँ पे या तो जो भी वेरिएशन है ठीक है बिल्कुल लाइक सब कुछ नील कर दूँ मैं यहाँ पे तो मेरे को बेटर मिल जाए, या इसको मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट कर दूँ यहाँ पे, जैसे ये पार्ट मुझे यहीं तक चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें देखेंगी वो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कलर में देखो यहाँ पे मुझे ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी यहाँ देखो यहाँ पे अगर जब मैंने लिया रैंडमनेस ठीक है, रैंडम ये दिख रहा है रफनेस और कलरेशन, ये तो और बेटर दिखेगा मुझे यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को लेके चलूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ पे नीट एंड क्लीन के ही कलर चाहिए। और क्या मिल सकता है इसमें देखते हैं और क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे। हाईलाइट इंटेंसिटी ठीक है यहाँ पे दिख रहा है ओके, और देन और कुछ मैनेज किया जाए तो अब यही देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। देखो ये यहाँ से मैंने कर दिया यहाँ पे, मुझे अभी मुझे लगता है एक लाइन को मुझे ये ऑफ करने की नीड है, ठीक है। तो बेसिक देखते हैं बस अगर इस पैरामीटर में मुझे कुछ ऐसा मिल रहा हो जिसको मैं और मैनेज कर सकूँ, जैसे मैं रैंडम कर दिया देखना भाई, यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, जैसे देखो यहाँ पे ये मौका अभी ठीक मिल रहा है यहाँ पे, मुझे बाकी की नीड नहीं है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो सकता है। तो ऐसे करके भी मैं यहाँ पे चीज़ों का मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरा यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा। तो आप मैनुअल भी आप चीज़ों का ऐसा मैनेज करोगे तो बेटर देखिएगा आपको यहाँ पे। ओके ओके चलो हमने मैनेज मेंटेन कर दिया। एक और सिंपल सा अगर मैं आपको एक और वे बताऊँ, जैसे अगर हम यहाँ पे काम करते हैं इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, एक और जस्ट सिंपल सा पार्ट मैंने फिलर ले लिया यहाँ पे, फिलर में जाके अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंपल सा मैंने अगर कलर पिक कर दिया यहाँ पे ठीक है, कलर पिक लाइक मैंने ऐसा कर दिया, अभी कलर अगर मैं ले रहा हूँ तो उसके पीछे एक रीज़न है ये कलर मुझे यहाँ पे क्यों चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर मुझे लाइक रफनेस ठीक है, तो ये जब स्टाइलिश में जा रहे हो तो स्टाइलिश में आपको ना सब कलर फिल करके भी बनाना पड़ता है, जैसे हम लोगों ने देखा ये जो हमने लाइनेज ड्रॉ करके, तो हम लोग इससे मैनेज मेंटेन कर लेंगे ठीक है। अब देखो ये अगर इसके नहीं होने पर कैसा नीचे का कलर दिख रहा है ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऐड ऑन करके रखा है, तो अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी गलत नहीं होगा ठीक है। हाँ बस नीट एंड क्लीन मत छोड़ देना, जैसे अब इतना कर दिया सर मेरा काम हो गया, नहीं अभी इसके अंदर कलर पिक करो, जैसे अभी आपने इसमें दिया कि दो कलर हमने डाल दिया, मैनेज मेंटेन कर दिया भाई मुझे इसमें कुछ काम चाहिए ठीक है। अभी ये हम लोगों ने एक पार्ट और दे रखा, जैसे मुझे अभी यहाँ पे ओवरऑल सब में एक डेप्थ देना है ठीक है, तो ये दिख रहा है ये अगर मैंने एक और फिल लेयर लिया, जस्ट सपोज मैंने फिल लेयर लिया, फिल के अंदर मैंने यहाँ पे कलर ये वाला ले लिया ठीक है, देख रहे अभी इतना शाइनिंग क्यों है, रफनेस के साथ मैं मैनेज करूँगा, देखो रफनेस दिखना है अभी इसके साथ। अगर मैंने यहाँ पे क्या करता राइट क्लिक एंड ब्लैक मास्क ऐसे भी कर सकता हूँ, एक पार्ट और भी है जैसे मैं अगर यहाँ पे चूकर मैनेज मेंटेन करता हूँ मुझे यहाँ पे कुछ अगर नहीं चाहिए ठीक है, तो यहाँ पे बस कैसा होता है लाइक ये आपको बहुत अच्छे से स्मार्ट मास्क के बारे में जानना चाहिए कि स्मार्ट मास्क कैसे क्या काम कर रहा है। अभी इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे अगर मैंने यहाँ पे मुझे सिंपल सा देखो इन सब चीज़ों को एक बताओ यूटिलाइज करना ठीक है, जैसे दिख रहा है एज पे आप देखोगे तो ठीक है, तो एज में देखो यहाँ पे एज में कई चीज़ें दिख रहे हैं यहाँ पे ठीक दिख रहे हैं, एज स्ट्रांग चाहिए तो मैंने एज स्ट्रांग इस पर लगा दिया डायरेक्ट, तो अभी यहाँ पे देखोगे तो मुझे एज स्ट्रांग में कैसे दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं क्रॉस चेक करूँ यहाँ पे तो लाइक दिस वन अभी मुझे चाहिए कहाँ पे और आ कहाँ पर है, देखो इस कॉर्नर वाले एज पर चाहिए है ना, इस कॉर्नर वाले एज पर आ रहा है, लेकिन हमारे पास देखो इसमें इसके एजेस में नहीं है ज़्यादा विजुअल ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर लूँगा यहाँ पे गए सिंपल सा ऑप्शन मिलता है, शार्पन नहीं चाहिए बहुत सारे चाहिए ठीक है, तो लाइक यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया मास्क एडिट यहाँ पे ठीक है, ग्लोबल बैलेंस तो बिल्कुल यहाँ सब चीज़ों को मैनेज मेंटेन हो तो मुझे हल्का फुल्का यहाँ पे मैनेज कर तो देखिए यहाँ पे अभी कोई यहाँ से अगर मैं देखो मुझे यहाँ पे देखो एक एज पे मिला तो एक ऐसा आ रहा है ठीक है, मैंने कहा फिलहाल में यार मुझे लगता है बीच बीच में ज़्यादा पार्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे तो मैं यहाँ पे काम करूँगा जस्ट इस पे। अभी यहाँ पे मैंने कर दिया यार मुझे लाइक इसमें मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूँ ठीक है,
तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, लाइक सिंपल सा पार्ट, या तो मंडू कर दूँ या मैं से लाइक कट कट, यहाँ से मैंने रिमूव, देख रहे हैं रिमूव लेयर नहीं करना है। यहाँ पे देखो कॉपी मास्क है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो डिलीट मास्क भी और क्लियर मास्क, देख रहे हैं, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। देन आप यहाँ पे और भी चीज़ें मिलेंगी, रिमूव मास्क, ठीक है, तो ये ओवरऑल पे दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इसमें मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर डॉट सॉफ्ट कर दूँ अगर यहाँ पे, ठीक है, डॉट सॉफ्ट पे डालने के बाद मैं यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे कुछ अगर अच्छा मिला है, देखो यहाँ पे ये तो बेटर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके साथ अगर मैं मैनेज करूँ तो मुझे आप देखो यहाँ पे अलग अलग लेवल में काम करना पड़ेगा देखा, तो एक तो नया नहीं नज़र आ रहा, ग्लोबल ब्लर दे रखा मैंने यहाँ पे देखो ये, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर लूँ यहाँ पे, ठीक। अभी हर एक के अंदर एक अलग अलग पार्ट मिलेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जोकर मैं मैनेज मेंटेन करूँ, ये कोई ये ओवरऑल इस पर काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, इस पे, ये किस लेयर है, ये इस लेयर का है, तो मैंने इसे उठाया और ऊपर ले गया यहाँ पे। इसके ऊपर अगर मैं जा रहा हूँ, जैसे मुझे इस पर जो चाहिए ना, इसके ऊपर मुझे एक अलग सा पार्ट चाहिए, जैसे ये देखना यहाँ पे, तो अभी इसके अंदर मैंने यहाँ पे काम कर दिया। अभी यहाँ से मैंने ये तो सिर्फ इस पर दे रखा ना यहाँ पे, लेकिन अगर इसी के ऊपर मुझे सिर्फ इतने ही पार्ट पर मुझे चाहिए, तो मैं कैसे मैनेज मेंटेन करूँगा। ओके, तो मैंने आप लोगों को टाइम दिया कि आप लोग एक बार एक क्रॉस चेक कर लो, ठीक है, और फिर मैं चाहता हूँ मैं आगे वाला पार्ट थोड़ा सा कवर अप कर दूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये मैंने पार्ट ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है, इसी में जैसे देखो ये एक पार्ट हमने यहाँ पे दे रखा है, इस वाले पार्ट पर हमने यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर दिया कि भाई इसके अंदर कर्व चले के आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो, ग्लोबल बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, देखना आप थोड़ा सा मैनेज करोगे तो बेटर दिखेगा, ट्रू एंड फॉल्स यहाँ से क्रॉस चेक करके देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप मैनेज मेंटेन करना चाहते हो, ग्लोबल बैलेंस आप ऐसे उल्टा करना चाहो, तो ऐसे भी हो सकते हैं, तो हम लोगों को ये नहीं यही चाहिए, ठीक है, तो हम लोग ऐसे मैनेज मेंटेन कर लेते हैं यहाँ पे। फिर अभी देखा है तो भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पार्ट है जिसके अंदर मुझे यहाँ पे तो सा जो कलर दिख रहा है ये वाला कलर मुझे इधर भी देना पड़ेगा, तो अगर मैं इसमें जाके जैसे यहाँ पे सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने जो किया और मैं वापस चलता हूँ, ठीक है, और मैंने कर दिया लाइक F1, ठीक है, तो देखो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी मैंने क्या किया देखो, देखना ये काइंड ऑफ पार्ट मैंने ऐसा ऐड ऑन कर दिया, देखना कुछ कुछ पार्ट छूट जाए तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करने वाला हूँ, ठीक है, एक पार्ट मुझे नज़र आ रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ काम करता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ से तो बहुत जो चीज़ें हैं, ठीक है, कई भी बार ऐसा नहीं होता आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, एक्स आपने किया और यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर कुछ चीज़ मेरे पास बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन हाँ ऐसा आप कुछ कर लो तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पार्ट यहाँ पे कर दिया है, देन यहाँ से मैं गया सिंपल चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, F2 मैंने प्रेस कर दिया, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, तो ठीक है यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है। अभी यहाँ पे मैं बस ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सिंपल सा पार्ट यहाँ से मैंने कुछ लिया, तो ये मेरे पास ऑप्शन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐड फिल्टर, फिल्टर का एक ऑप्शन आपको मिल रहा होता है, फिल्टर में आप जाओगे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिल्टर में आप क्लिक करके आपको मिलेगा ब्लर। ब्लर क्या काम करता है देखो ध्यान से देखो, कभी भी कोई चीज़ इतनी शार्प नहीं होती, जब भी कोई चीज़ पुरानी होती तो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने रहने दिया, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा कॉर्नर से ब्लर हो जाएगा, तो थोड़ा बेटर देखेगा आपके यहाँ पे सॉफ्टनेस देखेगा आपको, लाइक एकदम से वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, जैसे मैं कहूँ एकदम से हार्ड एजेस नज़र नहीं आने, थोड़ा सा बैलेंस कर सकते आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जब आप इसमें थोड़ा सा अगर काम कर रहे हो, जैसे इसके अंदर मैं सिंपल सा पार्ट मैंने ऐड ऑन कर दिया, ऐड जनरेटर, जनरेटर ऐड ऑन किया तो जनरेटर के साथ यहाँ पे मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डर्ट ऐड ऑन करना है, देखिए डर्ट, तो डर्ट डालने पर आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसा दिख रहा है रेंडम है ना, फॉल्स यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पुराना आपके यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे, तो दिस इज़ गुड, ऐसा कुछ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, चीज़ मिल रही है मुझे यहाँ पे, तो अगर मैं इसके अंदर में डालूँ तो मिलेगा, क्योंकि मैंने इसी लेवल पर मुझे काम करना है, ठीक है। डर्ट लेवल है, डर्ट लेवल के साथ आप प्ले कर सकते हो, डर्ट यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और, एक फाउंडेशन आपको यहाँ पे और भी मिल रहा होता है, क्योंकि पूरे बार है ना, ये पूरे पे चला गया बिकॉज ऑफ इसने पूरा एरिया कवर कर लिया, तो अगर मुझे यहाँ पे कोई और काम करना है तो मुझे इसको लेयर वाइज करके और मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने जस्ट कर दिया अंडू यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, तो अगर मैं इसमें जस्ट चीज़ों का अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे इसके लिए एक अलग लेयर लेके ही काम करूँगा, तो मेरे लिए ईजी रहेगा, नहीं तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर इस लेयर पे जाके मुझे काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जनरेटर डाला, जनरेटर पे कैसा है, अगर यहाँ पर मैं चीज़ों का मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो लाइक यहाँ देखो
ठीक है, ये ओल सब पे आ रहा है हमें। अब मुझे क्या करना है, मुझे ओल सब पे नहीं चाहिए, मुझे ओल सब पे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ जगह पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तो मैनेज मेंटेन करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से लाइक इसके लिए मैं एक अलग लेयर मैनेज करूँगा। वैसे मैंने आपको देखा है आपको ये टास्क फुलफिल करना है, ठीक है। तो मैंने आप थोड़ा सा आइडिया तो दिया कि भाई यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ तो कैसे करूँगा। हाँ, इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे तो बहुत चीज़ों को लेके चलना है तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। अभी अपने पास एक नेक्स्ट टास्क ये है कि भाई मैंने ये जो ओवरऑल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इस कर्वेचर पे दे रखा है, कर्वेचर पे आप देख रहे हैं, अभी कर्वेचर पे आप देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे एक और जैसे इस लेयर का मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ये मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। इसके अंदर जाके मैंने यहाँ पे क्या कर्वेचर पे गया, कर्वेचर पे जाके अगर देख रहे हो आप यहाँ पे तो मुझे कुछ चीज़ें मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक अभी फिलहाल में मैं इसको ऐसा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल सा ऐड जनरेटर कर देता हूँ, ऐड जनरेटर पे जाके अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मेटल एच सी है, तो मेटल एच पे गया और मैंने यहाँ पे मैनेज मेंटेन किया, ठीक है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है अभी कुछ चीज़ों को मैं ऐसे बैलेंस करूँ जहाँ पे बस थोड़ी चीज़ ऐसे दिखे और लाइक क्रंच अमाउंट, ठीक है, ये मुझे लाइनें मिल रही हैं, तो यहाँ पे जो लाइनें मुझे चाहिए वो लाइनें मुझे यहाँ पे मिल रही हैं देन, ठीक है। और लाइक यहाँ से मैं देख रहा है ये अमाउंट देन स्केलिंग एज स्मूथनेस, आप ऐसे मैनेज मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। और रैंडम में गए यहाँ से मैंने फॉल्स किया यहाँ पे देन, आप ऐसे भी देखो, आप ओजिट करके भी एक बार क्रॉस चेक करना है क्या कि ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर देते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए कॉर्नर बॉर्डर में कोई ये चीज़ आ रही है यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, जैसे अगर मैं देखो मुझे यहाँ पे जो लाइनें दिख रही हैं बीच में लाइनें आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट। ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपके यहाँ पे। फिर मुझे चाहिए कि ये किस में आना चाहिए, लाइक कितना अमाउंट देखो, ये देखो ये मेरे पास ये अमाउंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ आना स्टार्ट हो गया। देन यहाँ से मैंने क्या किया, कलर को थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि कलर मेरे पास सही है। अब मैंने यहाँ से ध्यान देना है, देखो जूम करना यहाँ पे देखो दिख रहा है, तो मुझे जो डेप्थ चाहिए ना ये वाला देखो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और ये मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है तो मैं यहाँ पे बहुत वर्कआउट कर सकता हूँ। अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, अभी ये जो पार्ट मैंने किया देखो, ये मुझे सिर्फ इतने ही पार्ट में चाहिए ना, कितने पार्ट पे यहाँ तक में चाहिए, अभी इतने पार्ट में चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे मुझे बाकी चीज़ में तो नहीं चाहिए, तो अगर मैं इसका एक फोल्डर बना लूँ, इस फोल्डर के जाके अंदर मैं ले डाल दूँ यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं। अभी इसके अंदर जाके मैंने क्या कर दिया, ब्लैक मास्क कर दिया मैंने यहाँ पे, ब्लैक मास्क में जाके मैंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया यहाँ पे। पेंट करने के बाद अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे गया सिंपल सा पार्ट और F1 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। F1 प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, लाइक टैप प्रेस कर दो आप यहाँ पे, देख रहे हैं अगर ध्यान से देखोगे तो आपका सोचिए देख रहे हैं यहाँ पे, देखो एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, ये देख रहे हैं ये एक्सप्रेस किया मैंने यहाँ पे, देन मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर दूँगा, मेरे यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें ये काम आना चाहिए और इसके लिए आई सजेस्ट कि जिसका फोटोशॉप आता है वो ये काम कर लेगा यहाँ पे। देखो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है, मैं वापस मैंने टैब प्रेस कर दिया यहाँ पे, मैं क्लिक कर दूँगा यहाँ पे, नॉर्मल इससे बाहर निकल गया यहाँ पे, ठीक है, और लाइक F2 प्रेस कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। देन अगर आप देखोगे यहाँ पे बस चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, मैं तो ऐसे से लाइक ब्लेंड एंड बाकी चीज़ें मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना तो आई कैन प्ले विथ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे अच्छा काम कर तो वेल एंड गुड है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं अमाउंट साथ मैं प्ले कर सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखें कि भाई मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐड ऑन किया यहाँ पे, ठीक। इसके बाद ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा लगता है कि जैसे मैंने लाइनें दी भाई मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे मेरे पास जो भी शेप्स के साथ यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने फिर से एक और पार्ट लिया जिससे हम लोग बोलेंगे फिल्टर, फिल्टर में जाके मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर भी करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लाइक साफ नजर आए तो बहुत बेटर नहीं आएगा, ठीक है। देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है, देखो ये इस पर जा रहा है, ठीक है, ये मैंने अगर ऑन और ऑफ किया ब्लर पे, लाइक इस पर तो खैर नज़र आए, लेकिन ये इस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो हो रहा है लाइक ओवरऑल अगर देखा तो, ठीक है। और कुछ मैनेज मेंटेन करना चाहे तो मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे और भी कई चीज़ें मुझे मिलती हैं तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा और भी बैलेंस करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ दिखाने के मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइक ब्लेंड करने वाला हूँ, तो लाइक क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, सॉफ्ट लाइट बहुत बेटर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, और देन मैंने कलर किया कलर बर्न, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करता है नॉर्मल करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल है ना यहाँ पे, तो पेंट पे जाके यहाँ पे मैं लाइक डिवाइड, बहुत बेटर नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, डार्कन में शायद कुछ अच्छा दिखे नहीं, ठीक है, ये भी आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जैसे लीनियर पे दिख रहा है तो लीनियर पे जाकर अगर मैं देखो मुझे यहाँ पे मैनेज मेंटेन करना है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक थोड़ा सा प्ले किया जा सकता है कि हम लोग यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर दो, आइडिया मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा और मैंने आपको बताया भाई ये इसमें पार्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे फोल्डर मेंटेन कर दूँ, यहाँ पे फोल्डर में जाके इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है, देन इसके बाद मेरे पास अब कंट्रोल मिल जाएगा। जब भी लगे ना कि मेरे पास दूसरा मुझे अगर करना है तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, ब्लैक मास्क कर देना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐड जनरेटर कर देना है यहाँ पे, इतने भी काम करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इसके जब आप यूज़ करो तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके मैनेज मेंटेन कर सकते हो यहाँ पे, मुझे यहाँ पे चाहिए कैसे चाहिए यहाँ पे, कितना पार्ट चाहिए, किस टाइप से मैं मैनेज मेंटेन करूँगा यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा कुछ पार्ट नज़र आ रहा है। देन आप यहाँ पे थोड़ा सा ग्रंज अमाउंट दिख रहा है, ग्रंज अमाउंट साथ आप प्ले कर लोगे यहाँ पे, मुझे अगर लगता है मैनुअल करना मैनुअल कर लो, यहाँ से थोड़ा सा आप काम करोगे, देखो देख रहे हो ये स्केलिंग है, तो आप ऐसे करके कुछ चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो, छोटा ये देखो यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखो जो एक सिंपल सा पार्ट पुराना पार्ट दिखे यहाँ पे, अभी होता है ना जब किसी के ऊपर से कोई चीज़ अगर हट जाता है तो देन उस चीज़ों को हम लोग मैनेज मेंटेन कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये एक पार्ट हम लोग यहाँ पे रखते हैं भाई, मुझे यहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है। एंड देन यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा देखूँ क्रॉस चेक करूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ अगर ऐड ऑन करना है तो किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे ओवरऑल कई चीज़ जो दिख रही है यहाँ पे, जैसे देखें ये काइंड ऑफ ये दिखा मुझे यहाँ पे, इसमें आप और भी कई चीज़ ले सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे मेटल एज लिया है, तो मेटल एज वेल ये है तो मेटल, लेकिन आप लोग सोचोगे वुड पे क्यों ना, क्योंकि एज वेल इस पर बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। आप इसमें और भी चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो, ऐसे कुछ लाइक ग्रांटेड नहीं है। जैसे देखें आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे देखो, तो अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया और देन आप यहाँ पे डाल लो तो ये ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देखते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोबल बैलेंस कम कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा कुछ काम आएगा। तो देखो ये मैंने यहाँ पे किया, आप ये भी करना चाहते हो कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसका अगर मैं ऑफ करूँ तो मैं पहला वाला आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या डिपेंड करता हो कितना आसपास आप पहुँच पा रहे हो, ये आपको चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। आप कैसे मैनेज कर रहे हो, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर रहे हो, और इसके अंदर लाइक आपका क्या बैलेंस है, देखो यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करता ताकि थोड़ा सा बेटर देखें यहाँ पे, ठीक है। ये लाइक ग्रंज अमाउंट यहाँ पे ठीक है कम ही रखते हैं, स्केलिंग ठीक है, ये थोड़ा सा रखेंगे तो बेटर देखेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ कि भाई हम लोग इसके साथ नहीं, थोड़ा सा इससे अलग ही मैनेज मेंटेन करें, लेकिन उसको थोड़ा सा लेके चलेंगे भाई किस टाइप से चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर पा रहे हो आप यहाँ पे। फिर इसके साथ अगर मैं देखूँ मुझे एक और भी काम, जैसे मैंने यहाँ पे किया मेरे पास अलग अलग फोल्डर है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे चाहिए कि भाई सबके अंदर मैं चीज़ों का मैनेज मेंटेन करूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन सब के लिए एक फोल्डर मैंने मैनेज कर दिया, नया फोल्डर ठीक है मैंने यहाँ पे बनाया। देन यहाँ से अगर ये जो पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ठीक है, और अगर मैंने इसे उठा के इसमें डाल दिया यहाँ पे ठीक है, वुड मैंने कर दिया यहाँ पे ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं इसमें जाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया लाइक ऐड ब्लैक मास्क कर दिया, और इसके अंदर जाके अभी जो कोई एक पार्ट इसके अंदर है तो मैं अंडू करता हूँ, मुझे अभी इसी में क्या करना है, मुझे इसके अंदर थोड़ा सा और कुछ अलग क्लियर कर देना है। जैसे ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे डाल दिया मैंने यहाँ पे ऐड ब्लैक मास्क ठीक है, देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया जाके डॉट डाल दिया, DIRT डॉट ठीक है, डॉट जाके इसमें डालूंगा तो मेरे से यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा। अभी डॉट का कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा कलर लेने वाले हो ठीक है। तो ये अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लाइक स्टेप से थोड़ा सा मुझे चाहिए, तो मैं एक ओवरऑल मैंने डॉट यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे ठीक है। तो एक ओवरऑल चीज़ यहाँ पे आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया ये आपको मिल रहा है ठीक है। एंड देन यहाँ से वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल्स ठीक है, पोजिशन ग्रेडियंट ये आप यहाँ पे देख सकते हो, थिकनेस ठीक है, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो आप यहाँ पे ठीक है।
ओके ग्लो लेंस यहाँ पे दे सकते हो आप यहाँ पे, तो बेटर देखिएगा आप यहाँ पे कंट्रास्ट। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और मैनेजमेंट करो तो बेटर दिखेगा आप चीज़ों को देखो। आप यहाँ पे सब कुछ आपके यहाँ पे विजुअल होना है। फिर ये मैंने एक ओवरऑल पे डाला है, जाने का ओवरऑल पे यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे ओवरऑल पे यहाँ पे एक और मैंने लेयर लिया और मैंने सब पे एक एस वी आर के लिए मैं मैनेजमेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड ब्लैक मास्क कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐड जनरेटर कर दिया मैंने यहाँ पे, जनरेटर करने के बाद मैंने यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या कर सकते हम लोग यहाँ पे मेटल एज, ठीक है। अब मेटल एज पे जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट इस पे जाके मैंने कलर चेंज कर दिया यहाँ पे। देखो एक ओवरऑल सब जगह पे चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा है, ये सब के लिए हुआ है, कट इट, सब पे चला जाएगा। कोई जैसे इसमें कहीं कैसे जगह नहीं छोटा होगा यहाँ पे हम लोग चीज़ों को नहीं दे रहे यहाँ पे। तो थोड़ा मैनेजमेंट रहेगा तो बेटर देखेगा यहाँ पे, चीज़ों को ऐसे क्रॉस चेक करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हर एक लाइन के अंदर आप मैनेजमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, याद रखना अगर मैं कोई टेक्स्ट डाला तो यहाँ पे मेरे पास एक में ये वाला पार्ट में शायद कुछ चेंज आ रहा था, लेकिन मैंने जब मैंने कलर डाला तो उस कलर को ही लेके काम करेगा कि चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करना है। तो आप ऐसा करके दिखा सकते हो कि आप एक बोर्ड को कैसे टेक्स्चर कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। एक बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स दिया मैंने यहाँ पे ताकि आपको आइडिया मिल जाए आप चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करने वाले हो, चीज़ों को कैसे फुलफिल करने वाले हो, ठीक है। एंड देन आप अगर चीज़ों को कैसे देखना चाहते हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने जो मैनुअल स्कल्पिंग किया वो भी आपके यहाँ पे बहुत बेटर दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे करके हम अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। चलो हम लोग ये चीज़ देखें कि भाई कैसे क्या काम करना है और कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे।